यज्ञ करने से क्या लाभ होता है? रोज अपन सुनते हैं यज्ञ करने से क्या क्या लाभ होता है, सुनते हैं अक्सर विद्वान लोग बताते रहते हैं अपन लोगों को क्या लाभ होता, लेकिन एक विशेष लाभ है वो मैं आज आप सब को बताना चाहता हूँ। जो मन से आते हैं चाहे मन से नहीं आते हैं, जो व्यक्ति नित्य प्रति यज्ञ करता है, नित्य प्रति जो व्यक्ति यज्ञ करेगा करता है, उसको उत्तम मनुष्य जन्म मिलता है। जो व्यक्ति नित्य प्रति यज्ञ करता है उसको उत्तम मनुष्य जन्म मिलता है। जिसको उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त करना है तो यज्ञ करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ईश्वर को सब मानते हैं, मानते सब ईश्वर को कि नहीं मानते सब? अच्छा आप ही बताओगे, सब मुझे जवाब दोगे, ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी है? बताओ, ईश्वर न्यायकारी आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो ईश्वर के न्याय में भी नियम है, बहुत अच्छी तरह से सुनने की बात तो ये है, ईश्वर के न्याय में भी नियम है। तो पहला नियम, अच्छा कर्म अच्छा फल पाओ, बुरा कर्म बुरा फल पाओ, और सबसे अच्छा कर्म सबसे अच्छा फल पाओ। ये पहला नियम परमात्मा का न्यायकारी नियम में। दूसरा, कर्म नहीं किया फल भी नहीं मिलेगा। दूसरा, तीसरा, जिसने कर्म किया फल उसी को मिलेगा। क्या है? जिसने कर्म किया फल उसी को मिलेगा। चौथा, पहले कर्म फल बाद में। सही बात है ना? पहले कर्म, और कल भी मैंने बताया था, पहले कर्म और फल बाद में। और पांचवा, जिसने कर्म किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। ये परमात्मा के न्यायकारी नियम में भी ये पांच नियम हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब में से श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मनुष्य। देखो आप बताना मुझे, कौन सा प्राणी सबसे श्रेष्ठ है? मनुष्य प्राणी सबसे श्रेष्ठ है। और उन प्राणी उन मनुष्य में भी उत्तम मनुष्य कौन है? जो अच्छे विद्वानों के धार्मिक माता पिता के घर में जन्म लेता है वो उत्तम मनुष्य माना जाता है। क्या बताया? अच्छे विद्वानों के धार्मिक माता पिता को घर में जन्म लेना उत्तम मनुष्य जन्म है। जिसको उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त करना है उसको यज्ञ करना अनिवार्य है। यज्ञ सबसे उत्तम कर्म है, रोज बताते हैं, रोज कहते हैं, लेकिन ये सबसे उत्तम कर्म है कैसे? या सबके कहने से तो थोड़ी होगा, अपने कहने से थोड़ी होगा उत्तम कर्म? इसका जवाब आप लोगों को ही देना है कि सबसे उत्तम कर्म है या नहीं है। चार अच्छे अच्छे कर्म मैं आपको बताता हूं, उनमें से चारों में से कौन सा सबसे अच्छा कर्म है वो आप लोग बताना। पहला, किसी को भोजन कराना। दूसरा, जल पिलाना। तीसरा, गरीब को वस्त्र देना। और चौथा, वायु को शुद्ध करना। इन चारों में से सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? वायु को शुद्ध करना। आप लोग कह रहे हो ये सबसे अच्छा कर्म है। सबसे अच्छा कर्म जब व्यक्ति करेगा
तो सबसे अच्छा फल भी पाएगा। ये परमात्मा का नियम है, न्यायकारी का जो नियम, उसमें भी ये नियम है जो मैंने बताया था सबसे पहले, जो सबसे अच्छा कर्म करेगा वो सबसे अच्छा फल पाएगा। जो व्यक्ति नित्य प्रति ये यज्ञ करेगा वह उत्तम मनुष्य जन्म को प्राप्त करेगा। यह विद्वान लोग कहते हैं, ये ऋषि लोग कहते हैं, ये ऋषि लोग भी उन्होंने वेद में से निकाल के ये बात बताई है, कोई अपनी खुद की किसी की नहीं है। यह बहुत ध्यान रखने की बात है, जो व्यक्ति नित्य प्रति यज्ञ करेगा और उसके साथ में मन से पवित्र रहना पड़ेगा, वाणी से पवित्र रहना पड़ेगा, शरीर के अंग अंग से पवित्र कर्म करेगा और परोपकार करेगा, उसका विद्वान लोग कहते हैं उत्तम मनुष्य जन्म मिलेगा। और जब उत्तम मनुष्य जन्म मिलता है तो व्यक्ति उत्तरोत्तर प्रगति करता रहता और उन्नति करता है और उन्नति करता और उन्नति करता ही जाता है। एक समय जब ऐसा आता है जब परम पिता परमात्मा उसको अपनी अमृत में गोद में बिठा लेता है, उसको जितने भी संसार के सारे सुख है आनंद है उसको मिल जाता है। इति ओम शांति।